हेलो जाहिन दोस्तों, कैसे हो? आज लेकर आए हूँ 16 अक्टूबर को जो अग्निवीर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे जो ओरिजिनल पेपर में पूछा गया वही क्वेश्चन आज लेकर आए हूँ। क्योंकि आपका जो ओरिजिनल पेपर हुआ था, आपका कोई भी ईआरओ में ओरिजिनल पेपर नहीं दिया, इसीलिए जो बंदा एग्ज़ाम देकर आया और उसका साथ पूछताछ करने से जो क्वेश्चन मिला वही क्वेश्चन आज 2 दिन से करा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कल से लेकर आज तक 15 क्वेश्चन मिला था। जो बंदा एग्ज़ाम देकर आया था उसका साथ कॉल करके पूछताछ करके 15 क्वेश्चन जीके जीएस मिला। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि यही प्रश्न से आपका आने वाला एग्जाम में रिपीट तो होगा ही और आपका इसी तरह ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसलिए यही 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और जिस बंदा हमारा चैनल में नया हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों, देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। देख लीजिए, हवा में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहां पे जिस बंदा 78% चुना था उसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लाई शटल वाज यूज्ड फॉर। देख लीजिए, फ्लाई शटल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहां पे जिस बंदा ऑप्शन बुनाई के लिए किया था उसका सही आंसर हो गया, ओविंग होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, जनरल साइंस का, क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द प्रोसेस ऑफ। देख लीजिए, क्रीम का दूध से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में जिस बंदा सही आंसर चुना उसका राइट आंसर यही होगा, अपकेंद्रीय बल, जो सेंट्रीफ्यूगेशन बल से कारण मिल्क से क्रीम को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हिच सिटी वाज डिजाइनेड बाय द आर्टिस्ट एडविड लेटुएंस। तो दोस्तों, आर्टिस्ट एडविड लेटुएंस के किस शहर का डिज़ाइन किया था, बता दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा, वहाँ पे तो आपका मुंबई दिया हुआ था, चेन्नई, लखनऊ और आपका दिल्ली हुआ था, वहाँ पे आपका सही आंसर न्यू दिल्ली होगा सही आंसर। एडविड लुइटेंस ने दिल्ली का डिज़ाइन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओमोनिबियस। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से रक्त समूह सर्वगोही कहा जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, जिस बंदा ए बी प्लस ब्लड ग्रुप को चुना था उसका सही आंसर हो गया, कोई बात नहीं है, बहुत ही आसानी क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में रिपीट होगा और इसी तरह ही क्वेश्चन आप डेली के डेली पढ़ो, इसी तरह ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत ही आसान मॉडरेट क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन ट्यूबलाइट। देख लीजिए, ट्यूबलाइट में कौन से गैस प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा यहाँ पे नियोन को चुना उसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आर्गन भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन में आपका नियोन दिया हुआ था, नाइट्रोजन दिया हुआ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जिस बंदा नियोन को चुना, नियोन गैस उसका सही आंसर हो गया। ये आपका नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन से लंबाई का एसआई इकाई है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस बंदा मीटर को चुना था उसका सही आंसर हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किलो वाट पर हावर यूनिट ऑफ। देख लीजिए, किलो वाट पर हावर एक किसका इकाई है, बता दीजिए। चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जिस बंदा एनर्जी को, ऊर्जा को चुना था उसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले हमारा पास ये जो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ 16 अक्टूबर के, इसी तरह हमारा पास 2050 से लेकर 2020 के अंदर जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ था हमारा पास है। ऑल इंडिया का जितने भी ओरिजिनल पेपर हुआ हमारा पास है, वो चाहे तो खरीद सकते हो। जस्ट 89 रुपया उसका कीमत है, 89 रुपया में मिल जाएगा आपका
फाइव ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन। तो दोस्तों वही क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लिया तो आपका आने वाला एग्जाम है, जिस बंदे को 13 नवंबर 15 जनवरी को एग्जाम है वहाँ पे आपका 100% रिपीट हो जाएगा, और जो आपका 16 अक्टूबर में जो एग्जाम था वहाँ पे तो आपका 90% क्वेश्चन हमारा पीडीएफ से ही पूछा गया, क्योंकि हमारा नहीं है, आपका ही पीडीएफ है, वो ओरिजिनल पेपर से उठाकर बना दिया, ओरिजिनल पेपर का पीडीएफ है, वो चाहे तो खरीद सकते हो, जस्ट 89 रुपया पेमेंट करने के बाद ही मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी नंबर पर आपका कॉल करना होगा, जो बंदा ले लिया बहुत ही अच्छा तरह पढ़ो, और जिस बंदा अभी तक नहीं लिया वो इसी नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। तो दोस्तों देख लीजिए पीडीएफ किस तरह है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर है, इसी क्वेश्चन पेपर आपका जो 2020 में और 2080-90 यहाँ पे आपका ओरिजिनल पेपर दिया करते थे आर्मी वालों ने, 15-16 का टाइम ओरिजिनल पेपर दे देते, लेकिन इस टाइम नहीं दे रहा है, कोई रीज़न के वजह से नहीं दे रहा है, इसलिए वो जो पिछले 5 ईयर से क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन आपका आने वाला एग्जाम में रिपीट हो जा रहा है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, देख लीजिए इसी तरह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से उठाकर हमारा पीडीएफ बना दिया, देख लीजिए किस तरह पीडीएफ है। तो दोस्तों देख लीजिए ये आपका एआरओ रांची का है, चाहे आप एआरओ रांची से हो, चाहे आप एआरओ औरंगाबाद, चाहे एआरओ पालमपुर, एआरओ तिरची, एआरओ गुंटूर, कोई भी एआरओ से हो सभी एआरओ का मिल जाएगा, बहरमपुर, सिलीगुड़ी, आपका सभी एआरओ का मिल जाएगा, जो रूट डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। यहाँ पे आपका 5 ईयर का रांची का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इसी पीडीएफ में है। तो दोस्तों हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में मिल जाएगा, देख लीजिए जस्ट 89 रुपया में मिल जाएगा। यहाँ पे जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी रहेगा, ये सिर्फ आपका जीके जीएस का पीडीएफ है, आपका अलग से मैथ रीजनिंग चला जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, देख लीजिए चिल्का लेक लोकेटेड व्हिच स्टेट, वर्ल्ड वुमेन डे, देख लीजिए तिहाड़ी डैम ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आप देख लिया तो बहुत ही अच्छा तरह ये पढ़ लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हो। तो दोस्तों इसी नंबर पे आपका कॉल करना होगा, जो बंदा अभी तक नहीं लिया वो ले लीजिए, जस्ट 89 रुपया में आपका नकड़ी मिल जाएगा, आपका पिता माता का नाम रोशन होगा, आपका बहुत ही सम्मान मिल जाएगा जस्ट 89 रुपया में, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है ये, अब तो चॉकलेट खाकर ही ख़त्म कर देता हूँ। जो डिस्क्रिप्शन में नंबर तो है इसी नंबर तो देख लिया, इसी नंबर पर कॉल करके ले सकते हो, टाइम अवेलेबल है आपके लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल इज ए मोटो फ्रेफिकिस फॉर्म ऑफ। तो दोस्तों संगमरमर किसका कायत्रिक रूप होता है बताइए, चार ऑप्शन में, जिस बंदा लिमस्टन चूना पत्थर को चुना था उसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ लेक, देख लीजिए लेक का उत्पादक क्या है बता दीजिए। तो दोस्तों उसका उत्पादक है इनसाइड कीट होगा सही आंसर, जिस बंदा कीट को चुना था उसका सही आंसर हो गया, दो नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द शावर टेस्ट ऑफ कोका कोला इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, देख लीजिए कोका कोला का जो खट्टा स्वाद के किसके उपस्थिति के कारण होता है बता दीजिए, चार ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन, जिस बंदा चुना फॉस्फोरिक एसिड, जिस बंदा चुना था उसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डैश इज द न्यूक्लियस, देख लीजिए किस तत्व का परमाणु क्रमांक डैश में नाभिक के संख्या के बराबर होता है बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा सही आंसर, जिस बंदा नंबर ऑफ प्रोटॉन को चुना था, प्रोटॉन का संख्या को चुना था उसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, देख लीजिए निम्नलिखित में कौन सा गंगा नदी का सहायक नदी है बता दीजिए। तो दोस्तों वहाँ पे आपका तो बहुत सारे क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था, यहाँ पे आपका गंगा नदी का जो सहायक नदी होता है जमुना, घाघरा, सोन, चंबल, कोशी, ये चारों ऑप्शन में जितने भी था वहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच ईयर डिड द अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड, ये सभी के सभी जितने भी ओरिजिनल पेपर पूछा गया, ओरिजिनल पेपर से जो क्वेश्चन रिव्यू दिया ये हमारा वो पीडीएफ में है, आप जरूर वो पीडीएफ खरीद कर आप पढ़ लीजिए। ये दो आपका दिन बाकी है, 13 नवंबर 15 जनवरी को जिस बंदा को एग्जाम होगा वो जरूर ये पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसी नंबर पर जाकर आप ले लीजिए,
पेमेंट के 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। फोन पे गूगल पे के जरिया आपका पेमेंट होगा, पेमेंट के 10 मिनट के अंदर आपका पास चला जाएगा 5 ईयर का क्वेश्चन आपका ईआरओ का। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जरूर जाकर आप ले लीजिए। तो दोस्तों बता दीजिए, इन व्हिच ईयर डिड द अर्जुना अवार्ड स्टार्टेड? तो दोस्तों अर्जुना पुरस्कार का किस वर्ष शुरू हुआ था बता दीजिए। चलो ऑप्शन में सही आंसर चुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस बंदा 1961 को चुना था उसका सही आंसर होगा अर्जुना अवार्ड। और भी एक क्वेश्चन आता है, अर्जुना अवार्ड किस से संबंधित है? तो दोस्तों अर्जुना अवार्ड जो स्पोर्ट्स से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? देख लीजिए हरित क्रांति संबंधित है। वहाँ पे आपका कुछ बंदा कहते थे आपका व्हीट लिखा हुआ था, लेकिन आपका कोई बंदा कहते फूड से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे जो बंदा देख लिया वो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए वहाँ पे व्हीट था या फूड, दोनों के बीच कुछ एक गलती हो रहा है। वो सही आंसर जरूर डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों हरित क्रांति आपका जो फूड और व्हीट के साथ संबंधित है, दोनों ही सही आंसर है। तो दोस्तों इसी नंबर पे आपका कॉल करना होगा, कॉल टाइम अवेलेबल है, जरूर ले लीजिए। इसी 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इसी तरह ही आपका क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल पेपर में मिल जाएगा, वो आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। जरूर ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है और नंबर तो देख ही लिया, 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।